नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सरकार की योजनाएं आपके दरवाजे पर इंतजार कर रही हैं। आप इन योजनाओं से जुड़कर खुद को सशक्त और स्वावलंबी बनाएं। उक्त बातें युवा सीएम हेमंत सोरेन ने कही मौकादा गढ़वा के मिराल में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत सभी पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं सभी शिविरों में तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन कुछ शिविरों में मैं शामिल हो रहा हूं। इन शिविरों में पहुंचकर मैं यह देखने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई है उसका लाभ वास्तव में आपको मिल रहा है या नहीं। योजनाएं धरातल पर उतरे इसी प्रतिबद्धता के साथ सरकार काम कर रही है। मौके पर सीएम ने गढ़वा को 111 करोड़ 39 लाख रुपए की सौगात दी। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करना अब आसान नहीं होगा, वही नकल करने वाले दंडित होंगे। इस मसले पर विधानसभा में पारित विधेयक को गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द राज्य सरकार इस कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर देगा। प्रस्तावित कानून में प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले को कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का सख्त प्रावधान है। इस कानून का नाम झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 होगा। नकल करते हुए पहली बार पकड़े जाने वाले पर 1 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा, वहीं दूसरी बार पकड़े जाने वाले पर 10 लाख का जुर्माना और कठोर सजा का प्रावधान है। राजधानी रांची के बहुचर्चित सोफिया परवीन हत्याकांड में दोषी करार पति पत्नी शेख बिलाल और अफसाना खातून उर्फ साबो खातून को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अपर न्यायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने आज सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि इन दोनों दोषियों को आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने दोनों को हत्या के इल्जाम में बीते 25 नवंबर को दोषी करार दिया था। यहां याद दिला दे कि 3 जनवरी 2021 को ओरमांझी से सिर कटी एक डेड बॉडी बरामद की गई थी। धारदार दावली से सोफिया का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। सोफिया का सिर रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती के खेत में दफना दिया गया था। यह हत्या अवैध संबंध में पहली पत्नी साबो खातून को तलाक देने को लेकर की गई थी। मौत के जबड़े से बच निकले झारखंड के 15 मजदूरों को उत्तरकाशी से वाया दिल्ली होते हुए रांची लाया जाएगा। इन्हें हवाई जहाज से पहले दिल्ली लाने की प्लानिंग है। रात भर सभी दिल्ली के झारखंड भवन में ठहरेंगे, दूसरे दिन फ्लाइट से इन्हें रांची लाया जाएगा। इसके बाद इन्हें यहां से उनके घर तक सही सलामत पूरे सम्मान के साथ पहुंचा दिया जाएगा। घर वालों को इसके बारे में सूचना दे दी गई है। ज्यादातर मजदूर रांची, खूंटी और गिरिडीह के रहने वाले हैं। फिलहाल इन मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक सीएसपी संचालक राजकुमार अचानक गायब हो गया। सीएसपी काउंटर बघा नगर के पटखोली ओपी क्षेत्र में है। गायब राजकुमार के पिता अवध किशोर प्रसाद ने थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि राजकुमार बीते कल दिन में घर से बघा के लिए निकला था। देर रात तक जब घर वापस नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। उसे हर संभावित ठिकानों पर खोजा गया पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। आसपास के लोगों के अनुसार राजकुमार के एक दोस्त रोशन कुमार के पास फिरौती के लिए मैसेज आया है। राजकुमार के मोबाइल से ही 15 लाख रुपए की डिमांड की गई। बघा एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने बताया कि एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजकुमार की बाइक बघा रेलवे स्टेशन के पीछे से मिली है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रांची एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता दिन के 4 बजे से ही एयरपोर्ट पर जुटना शुरू हो गए। करीब 4:30 बजे गृह मंत्री लैंड किए। उनके आगमन को लेकर रांची पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से हजारीबाग पहुंचे। गृह मंत्री बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। यह समारोह हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंप में कल होगा। इस दरमियान वह बीएसएफ के आला अधिकारियों से लेकर जवानों से मिलेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। समारोह में बीएसएफ की कई टुकड़ी अपना जलवा दिखाएंगी। गिरिडीह पुलिस ने 3 साइबर क्रिमिनल्स को दबोचा है। इनके नाम अर्जुन कुमार मंडल, राजेश मंडल और सुभाष मंडल बताए गए। इनके पास से 9 मोबाइल और 18 सिम कार्ड बरामद किए गए। तीनों ठग लोगों को ऑनलाइन चूना लगाने में माहिर है। इस बात का खुलासा आज गिरिडीह के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने किया। एसपी ने मीडिया को बताया कि इन शातिर क्रिमिनल्स ने एफबीआई का फर्जी वेबसाइट तक बना डाला था। भोले भाले लोगों को इसी वेबसाइट के जरिए लिंक भेजा करते थे और उन्हें अपने छासे में लेकर कांड कर जाते। इनके मोबाइल से लाखों रुपए के फ्रॉड का डेटा मिला है। वहीं लोगों को पोस्टने में प्रतिबिंब पोर्टल से क्लू मिला था। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।